हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हो आरकेएस टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास एक फोन है जो कि सैमसंग 1200Y और इस फोन का जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका बैटरी मैं लगा देता हूँ। अभी देखिए, ये जो फोन है ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है। तो फ्रेंड, एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम है ये ऑटो ऑन ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड, तो एक्चुअली इसका क्या है प्रॉब्लम और इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे और एक बार चेक करके देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हो कि जो फोन है ये ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, कभी भी आपका कोई भी, चाहे कीपैड हो या सैमसंग हो या क्या दूसरे ब्रांड का कोई भी फोन हो, अगर ऑटो ऑन ऑफ प्रॉब्लम के लिए आए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अगर ऑटो ऑन ऑफ प्रॉब्लम कोई भी फोन आए तो सबसे पहले अब उसको देखिए कि वो वाटर डैम है क्या। वाटर डैम होने से क्या होता है कि आपका एक प्रॉब्लम आ सकता है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है कि आपका चार्जिंग पिन में आपका डस्ट या वाटर डैम होने के वजह से ये आपका जो ऑटोमेटिक ये ऑन ऑफ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आप इस फोन में देख सकते हो कि इसका जो यहाँ पे देखिए चार्जिंग जो पिन है बिल्कुल भी क्लीन है, और इस फोन में कोई भी वाटर डैम का कुछ इशू नहीं है। और मैं इसका अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो पिन का अंदर ये भी क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और टोटल मदरबोर्ड यहाँ पे देखिए, मदरबोर्ड क्लीन है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो इजी तरीका है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए, ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, ये जो चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी का ठीक बाजू में ये देखिए, ये एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो रजिस्टर है और यहाँ पे एक देखिए पॉइंट गया है, जाके इसमें कनेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव करने से ही ये प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस रजिस्टर को यहाँ पे जो है रिमूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए अभी एक बार चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑटो ऑन इश्यू है चला गया। तो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है उसमें से था। तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हो ये जो फोन है ये ऑन नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको एक जम्पर करना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको एक जम्पर करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को जम्पर कर दिया। अभी दूसरा जो पॉइंट है उसको यहाँ पर जम्पर करना है।
तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे जम्पर कर दिया, तो चलिए अभी चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑटो ऑन प्रॉब्लम हो तो चला गया, तो चलिए अभी पावर की को चेक करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो पावर की का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ऑन होने के बाद मैं आपको पावर की को और भी डिटेल्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो पावर की है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए अगर चाइनीज फोन है उसमें अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से वॉश करिए मदरबोर्ड को, उसके बाद आप चार्जिंग पिन को यहाँ पे रिमूव करिए, तो जो ऑटो ऑन प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा सैमसंग फोन आए तो सबसे पहले आप उसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तभी आपको ये स्टेप को करना है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।